हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आई नो बहुत ठंड है, ठंड में वीडियोस बनाने का क्या, खाना बनाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन आज हम लेकर आए कुछ स्पेशल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली, एंड इडली का मैं बैटर लेकर आई थी तो आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आप मुझे बताना कि आजकल सर्दियों में आपका कौन सा ऐसा फेवरेट फूड होता है जो आपको लगता है कि यार डेली मैं इसे भी खा सकती हूँ। लाइक मेरा जो फेवरेट है पर्सनली वो है खिचड़ी। मुझे सर्दियों में खिचड़ी बहुत पसंद आती है, गरम गरम खिचड़ी, उसमें थोड़ा सा देसी घी या रायते के साथ भी खा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली उसे घी के साथ पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट सर्दियों का फूड कौन सा है। तो चलिए, मैं किचन में ही खड़ी हूँ, किचन काउंटर में ही हूँ, तो मैं चलती हूँ आपको लेकर इडली बैटर की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा इडली का बैटर। ये मैंने मार्केट से लिया था, ऑलरेडी बना हुआ था, तो वैसे ये इडली के लिए है, बट इससे आप डोसा भी बना सकते हैं। सो ये हम दो जनों के लिए तो बहुत ज्यादा है। और वैसे ना इसकी खटास मुझे पता चल रही है, मैंने रात भर इसे बाहर रख दिया था, तो मैं ये दो पोर्शंस में बांट दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्रांसफर कर लिया इसे दूसरे वाले बाउल में। तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर ऐसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम दो ही जने होते हैं खाने वाले, तो मैं इसे अलग अलग कटोरियों में रख देती हूँ। एक को मैं डोसे के लिए यूज करूंगी नेक्स्ट डे, और एक को मैं आज इडली के लिए यूज कर दूंगी। तो जो ये मार्केट से बैटर मिलता है ना, ये भी अच्छा मिलता है, बस इसे घर लाके ना एक बार अच्छे से फेंट लीजिए। और हल्का सा मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा नमक भी ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि सांभर भी बनेगा। बहुत जरा सा नमक डाल के, हल्का सा पानी तो इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन जब मैं डोसे के लिए बनाऊंगी ना, तब इसमें मैं पानी भी डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो ही होना चाहिए डोसे का बैटर। एंड बहुत यम्मी इडली बनती है। एंड इस बार तो मेरा सांभर भी बहुत ही ऑसम बना था, हालांकि मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं थी सांभर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तूर दाल ले ली है, और तूर दाल ना मतलब प्लेन तूर दाल ली है, उसमें प्याज वगैरह डालूंगी, इसे अच्छे से धो लूंगी। मुझे ना थोड़ा सा ओसीडी है कि मतलब मेरे को दाल में बहुत बार वॉश करती हूँ, चावल में बहुत बार वॉश करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तो ना बार बार दिमाग में इतना न्यूज सुनो कुछ सुनो, तो वो लोग बार बार बोलते रहते हैं ना कि इसमें पॉलिश किया जाता है, ये किया जाता है, तो इस चक्कर में ना मुझे ऐसे लगता है कि दाल को अच्छे से वॉश कीजिए, उसके ही बाद यूज कीजिए। एंड यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में थोड़ा सा दाल ना मसाले में इसी पॉइंट पे ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्याज वगैरह काटूंगी, प्याज टमाटर, तो बस मेरे पास यही चीजें हैं, तो ज्यादा चीजें नहीं है, बट इन बेसिक चीजों के साथ भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। आप ये मत सोचिए कि सब्जियां भी डालनी पड़ेंगी, सब्जियां लानी पड़ेंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। बस आपको इमली का पल्प चाहिए थोड़ा सा, और अगर इमली नहीं है तो आप अमचूर भी यूज कर सकते हैं, बट आप ये वाला इमली का पल्प लेना, मदर्स वाला, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। और बस ये डालिए, सांभर मसाला डालिए, आपका बहुत टेस्टी सांभर बनके रेडी हो जाएगा। मैं तो ना यही करती हूँ, छोटे मोटे देसी चीजें अपने पास रखनी चाहिए कि हम कैसे भी बना ले चीजें। जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हों हमेशा, जो जो चीजें होती हैं, जैसे इमली मेरे पास दूसरा वाला अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी वाली इमली से काम चला लेती हूँ। देख सकते हैं आप, ये वाला इमली मदर्स का। इमली ऐड करने के बाद डालेंगे सांभर मसाला, तो आपने देखा है मैंने इस बॉक्स में रखा है और लिखा हुआ है, इससे ना इजी हो जाता है मसाले पहचानने की कि इस बॉक्स में कौन से वाले रखे हैं। बस इसे डालकर मैं अच्छे से एक बार उसी चम्मच से इसे हिला लूंगी, और फिर प्रेशर कुकर की लिड को लगा दूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी। गाइस, बहुत ऑसम बनता है, आप सिंपल सांभर बना के देखना घर में, बहुत टेस्टी बनता है। एंड मीनवाइल यहाँ पे मैंने बड़ा वाला कुकर निकाल लिया है, इडली के सांचे निकाल दिए हैं जिसमें मैं बनाऊंगी, तो ये धुला हुआ है, बस मैं एक बार इसे पानी से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ना मन को तसल्ली हो जाती है, बर्तन बहुत टाइम तक यूज नहीं होता है, तो ऐसे लगता है कि यार कहीं कुछ हो ना गया हो, मतलब कोई मकड़ी ना हो, कुछ ना हो, इसीलिए बर्तनों को थोड़ा सा पानी से वॉश कर दीजिए तो आपके दिल को तसल्ली मिल जाती है।
तो मैं यही करती हूँ बस सिंपल। ये जो साचा है ये मम्मी ने मुझे दिया है इडली, मम्मी कह रही थी हम ज्यादा बनाते नहीं है तो तू ले ले, क्योंकि मेरा इडली वाला जो लिड है ना वो खराब हो गया था। तो अब बस इसे भी पानी से वॉश कर दूंगी और रख दूंगी। गाइस सांभर तो ऑलमोस्ट होने वाला है तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तड़के के लिए कड़ी पत्ता सूखा वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं तोड़ना भूल गई थी गमले से, तो मेरे पर ड्राई भी पड़ा है इसलिए मैं ड्राई यूज करूंगी। और यहाँ पे लाल मिर्च हो गई, आपका सरसों हो गया और हींग हो गई, ये तीनों चीजें तड़के में यूज होंगी, और कश्मीरी लाल मिर्च। सो ये वाली कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज करूंगी तड़के के लिए। तो सांभर तो मैंने बंद कर दिया है, बस थोड़ी देर में इसे तड़का मार दूंगी और सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा चीजें मेरे पास थी नहीं, सब्जियां थी नहीं। अब होता क्या ना, एक हफ्ते के एंड में तो आधी से ज्यादा सब्जियां खत्म हो जाती हैं और मैंने पहले से सोचा नहीं था कि मैं सांभर बनाऊंगी, इसीलिए सांभर के लिए मैंने कोई वेजिटेबल्स ली ही नहीं। सो जो था बेसिक सा वो मैंने डाल दिया, देखो कभी कभार जुगाड़ू काम भी हो जाते हैं। सो वो बन गया है एंड बस तड़का मारूंगी और उसके बाद मैं इडली गरम गरम ही बनाऊंगी उसी टाइम जिस टाइम खाना होगा, क्योंकि इडली को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और दो जनों को तो टाइम लगता ही नहीं है। सो बस इडली का बैटर तो वहाँ रेडी है, मुझे बस सांभर को तड़का मारना है और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और उसके बाद मतलब रेस्ट तो क्या करूँगी, टीवी देखूँगी। अभी मैं एक सीरीज देख रही हूँ सो वो सीरीज पूरी करूँगी एंड नेगी जी का तो ऑफिस चल रहा है इसलिए नेगी जी अंदर बिजी हैं, अगर आपको हल्के से दिख रहे होंगे। हेलो नेगी जी। अरे नेगी जी सो जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है नेगी जी को, उसके बाद मैं आपको दिखाती रहूंगी। एंड कभी कभार ना ये सिंपल सिंपल चीज़ें भी बन जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर चीज़ें चाहिए तभी आप अपनी रेसिपी बनाओगे, क्योंकि हम कोई शेफ तो है नहीं, हम तो होम शेफ्स हैं तो ये घर में चलती हैं चीज़ें। एंड फ्रेंड्स कल हम लोग ना मार्केट गए थे, वहाँ से हमने लिए ये कोकोनट मैक्रॉन्स और बहुत ही यम्मी हो रहे हैं ये। अगर आपके घर के आसपास मिलते होंगे ना तो कभी ट्राई करना, बहुत अच्छे होते हैं, है ना नेगी जी? टेस्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब इतने सॉफ्ट और स्वीट है, मूवमेंट जाते ही घुल जा रहे हैं, और ये जो कोकोनट का टेस्ट है वो तो बेस्ट आता है। तो आप जरूर ट्राई करना, मतलब कहीं भी बेकरी में ना ऐसे मैक्रॉन्स मिलेंगे कोकोनट तो वो ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स तड़का मार लेते हैं। मैंने चढ़ा लिया तड़का पैन और यहाँ पे मेरी चीजें तो ऑलरेडी रेडी थी तो मैं अब इनको जल्दी जल्दी डालती हूँ। सबसे पहले मैं ये चीजें डालूंगी जो इस कटोरी में है, और उसके बाद हींग। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना थोड़े से चने के दाने भी डाल दिए हैं और ये तड़कने भी लग गया है तो मैं हींग डाल दूंगी। अब डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाल के मैं आपको तब दिखाती हूँ क्योंकि इसे ज्यादा नहीं भूनना है अब। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा तड़का लग गया है और बहुत ही मतलब अच्छी खुशबू आ रही है तड़के वाली। सो मेरा सांभर तो रेडी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी, पानी गर्म होगा उसके बाद मैं इन साँचों को इसके ऊपर रखूंगी। एंड ये रहा ब्रश, इससे मैं हल्का हल्का ऑयल इन पे लगाऊंगी और इसमें इडली का बैटर डाल के इसमें 8-10 मिनट के लिए रखूंगी, फिर चेक करूंगी। गाइस मैं यहाँ पे अलार्म लगा के गई थी बंद हो जा कि मैं ये चेक करूंगी, अब मैं पहले से खोलती हूँ फिर चेक करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम टूथपिक की मदद से चेक करेंगे, मुझे तो अभी भी गीला ही लग रहा है, मतलब थोड़ा टाइम और लगेगा। वैसे तो टूथपिक से पूरा निकल गया है साफ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है, चलो मैं चेक करती हूँ उसके बाद देखती हूँ। फ्रेंड्स मैंने 2 मिनट के लिए और रखा है, उसके बाद दोबारा चेक करूंगी। वैसे टूथपिक से तो वो इजीली निकल जा रहा है पर फिर भी मुझे लग रहा है कि 2 मिनट रखती हूँ। तो फ्रेंड्स बन गई है हमारी इडली, कैसी हो रही नेगी जी? How's the idli? अच्छी हो रही है। और नारियल की चटनी भी लेकर आए थे हम। अब मैं भी कर लेती हूँ जल्दी से डिनर, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और जो बचा हुआ बैटर था उसका मैंने बना लिया है डोसा।
डोसे के साथ बन रही है। यहाँ पे चाय, गरम गरम चाय, एंड पता है ये डोसा इतना टेस्टी हो रहा था, और जो मेरे पास हरी चटनी थी ना, सॉरी हरी चटनी बोल रही हूँ, नारियल की चटनी, वो भी बहुत टेस्टी हो रही थी, मैंने उसे तड़का मार दिया था। बहुत ही यम्मी नाश्ता बनके रेडी हो गया था हमारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का सैटरडे, हम लोग खा रहे हैं सुबह सुबह संतरे, सुबह सुबह तो नहीं, 12 बज गए, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया डोसे का। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इतने से संतरे, ये देखो मेरे हाथ में कितना है, ये संतरा है, ये छोटू सा संतरा है, और इस संतरे से बीज कितने आ रहे हैं। और मजाक वाली बात है कि एक संतरे में ये बीज है। इतने छुटके से संतरे में इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बीज हैं यार, ये देखो इसके अंदर इतने बीज हैं। और रसीला कितना है? रसीला तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी हो रहा है, बट बीज ही निकले। ये है पहाड़ी संतरा, मम्मी लेकर आई थी इस बार गांव से स्पेशली संदीप के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी नमक है, चौरा चौरा का नमक होता है इसमें। ये हमारी एक बुआ ने दिया है पीस के, इसके साथ ये संतरा ऐसा बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका और इसका, गजब हो रहा है। लेकिन मुझे तो बीज देख के हंसी आ रही है, जिन्होंने खाया होगा वही जानते हैं सीरियसली कि चौरा नमक क्या है, ये पहाड़ी संतरा क्या। संतरे यहाँ पे भी मिलते हैं, पर वहां के संतरों की बात ही कुछ और है यार। ये संतरा नहीं है, संतरे की दाणी है। ओ, संतरे की दाणी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। नेगी जी वहां रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, एंड शाम के बज गए हैं 4, है नेगी जी? हाँ, बज गए 4। सो प्रिया जा रही है आज हमारे साथ शॉपिंग के लिए, देखते हैं क्या शॉपिंग होती है। वैसे तो मैं ना लाइफ स्टाइल जा रही हूँ, मुझे 2 सूट मैंने पसंद किए थे ऑनलाइन, मुझे वो चेक करने हैं। सो अगर वो मुझे वहाँ डील सही मिल गई तो वहाँ से खरीद लूंगी, वरना देखते हैं क्या पता ऑनलाइन मंगवाऊंगी। सो जल्दी जल्दी चलते हैं मार्केटिंग में, मार्केटिंग करके आते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। चलो चलो जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो यार। अच्छा मैं एक और चीज बोलना चाह रही हूँ, ये वाला बैग ना मैंने सबसे ज्यादा यूज किया, वेस्ट साइड वाला। क्यों करा जाता है यूज? पैसा वसूल बैग है, मैं हर जगह लेकर जाती हूँ, कहीं से कैरी बैग नहीं लेती, इसको ले जाओ और मेरी चीजें इसी में आ जाती है। वाओ, बेस्ट सूट भी कर रहा तुम पे। लोग तो मतलब रट गया होगा लोगों को, मैं हर बार कहती हूँ कि कैरी बैग लेकर जाया करो। सो काफी लोग बोलते हैं कि हर बार बोलते हैं कैरी बैग लेके जाया करो, इस लाइन को मैं इतना फेमस कर दूंगी ना। चलो जल्दी जल्दी चलो यार, लेट कर रहे तुम। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ प्रिया आई है, कृषि नहीं आया, हमारा पार्टनर कृषि था वैसे घूमने का, पर प्रिया कह रही शॉपिंग कराऊंगी बहन तुझे आज। चल ठीक है बहन, ठीक है ठीक है। हाँ नहीं बोल रही है। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं महागुन मॉल, एंड आए तो मेरे लिए कुछ चीज देखने थे, लेकिन मेरी ही शॉपिंग नहीं हुई, बाकी नेगी जी ने और प्रिया ने काफी शॉपिंग करी है यहाँ से अच्छी वाली। मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं आया, जो सूट मैं देखने आई थी वो यहाँ पे थे ही नहीं, तो मुझे ऑनलाइन ही मंगवाने पड़े, एंड ऑनलाइन वो सूट आ गए हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेटर नहीं चल रहा है, तो मैं प्रिया को यही बोल रही हूँ कि चढ़ के जाना पड़ेगा, और ये जिगजैग की वजह से ना आंखें बहुत घूमती हैं इसमें। एंड यहाँ देखिए प्रिया को, मतलब शॉपिंग हो रही है या फोन पे लगी हुई आराम से बैठ के। नेगी जी पीछे अपने लिए शूज पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी शाली बैठ के आराम से फोन पे लगी हुई है। आपको कोई मना कर सकता है? अब क्योंकि हम बोर हो रहे हैं क्योंकि नेगी जी की शॉपिंग हो रही है, तो हम दोनों यहाँ पे बातें करने लग गए। और फिलहाल वहां से शॉपिंग हो गई थी हमारी, क्योंकि शादी वगैरह आने वाली है तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो नेगी जी ने यहाँ से भी कुछ लिया अपने लिए, ब्लेजर वगैरह बड़े अच्छे डिस्काउंट में ब्लेजर मिले हैं। सो इस बार ना नेगी जी की शॉपिंग बहुत जल्दी हो गई है, मेरी शॉपिंग अभी चलेगी क्योंकि शुरुआत ही नहीं हुई है, तो एंड कहाँ होगा। गाइस हम लोग आ गए मम्मी के घर। फ्रेंड्स देखो बुआ भी आई है आज मम्मी वालों के यहाँ पे। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बुआ, ने देख लिया हमने क्या क्या शॉपिंग करी है, कैसी लगी? बहुत अच्छी। आप भी कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स अब घर जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा बात करते हैं, लेकिन प्रिया को जाना है इसलिए हमें भी जाना पड़ जाएगा। चलो आपको है मम्मी की स्वेटर तो नहीं दिख रही आपको? बहुत गर्म है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, मैं और नेगी जी, बुआ और मम्मी रहेंगे घर पे यहाँ पे,
और करेंगे बातें बातें मेरे बिना हैं जोर करने तैयार बिना बात चलो वीडियो को एंड करते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय। जय सियाराम। जय सियाराम।